नमस्कार एवरीवन स्वागत है आपका भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम प्रताप नगर द्वारा आयोजित इस इस कार्यशाला के नवी कड़ी में इस एपिसोड में एपिसोड हम लोग सीखेंगे स्टोरी इन ड्रामा स्टोरी मेकिंग थ्रू ड्रामा और ड्रामा के लिए हम किस तरीके से हमारे ड्रामा में हम स्टोरी को क्रिएट करते हैं हम कैसे स्टोरी बनाते हैं जिससे हम एक ड्रामा प्रेजेंट कर पाए कल हम लोगों ने एक स्टोरी सुनी थी और उस स्टोरी में हमने बात किया था कि एक स्टोरी में क्या क्या चीजें होती हैं तो हम आज अभी एक क्विक रिवाइज करते हैं कल जो हमने बात की थी कि एक स्टोरी में क्या क्या होता है तो स्टोरी में होता है आपका थीम आपकी एक स्टोरी लाइन होती है आपका मतलब एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर आप स्टोरी लिखते हैं आपके होते हैं कैरेक्टर्स कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिन कैरेक्टर्स के बारे में आप उसमें मेंशन करते हैं उन कैरेक्टर का नाम यूज करते हैं उन कैरेक्टर्स का कैरेक्टराइजेशन uh, आप यूज करते हैं फिर आपका होता है इवेंट्स आपकी उस स्टोरी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जैसे कि कल की स्टोरी में था पहला इवेंट कि वो गांव छोड़ के भाग जाता है फिर दूसरा इवेंट कि वो uh, दूध वाले के यहाँ रुकता है फिर तीसरा इवेंट कि वो चोरी करता है इस तरीके से वो उसकी लाइफ के इवेंट्स थे फिर होता है प्लेस अलग अलग जगह कौन कौन सी जगह थी की, थी जैसे चोरों का अड्डा था खेत था दूध वाले का घर था उसका गांव था अलग अलग प्लेस थे और था विजुअल कि जब हम स्टोरी बताते हैं जब हम स्टोरी सुनाते हैं तो एक विजुअल बनता है वो विजुअल क्रिएट होना बहुत जरूरी है एक अच्छी स्टोरी के लिए तो आई होप आपको कल की क्लास समझ में आई होगी अगर कल की क्लास से रिलेटेड आपके माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आज हम लोग शुरू करते हैं थिएटर की आ, इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ गेम्स खेलेंगे कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिनके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हम और स्टोरी डेवलप कर सकते हैं ओके अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उस स्टोरी को आप लोग ध्यान से सुनेंगे ओके एक बार की बात है एक जंगल था उस जंगल में हर कोई बहुत अच्छे से से सुख शांति रहता था। वहां का राजा किसी को भी परेशान नहीं होने देता था उस जंगल का एक नियम था कि उस जंगल से कोई भी दूसरे जंगल में नहीं जाएगा और दूसरे जंगल से कोई और जानवर इस जंगल में नहीं आएगा इनका जो शेर था वो भी बहुत खतरनाक था वो कभी भी किसी कमजोर जानवर का शिकार नहीं करता था वो केवल उन्हीं जानवरों का शिकार करता था जो कि कुछ गलत काम करते थे सब बहुत हैप्पी थे सब बहुत खुश थे एक दिन अचानक इस अच्छा अभी हम लोग इस जंगल का नाम भी है इस जंगल का नाम है चंपक वन तो चंपक वन में सब कुछ बहुत अच्छा था राजा भी बहुत अच्छा था सब बहुत बढ़िया था कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन चंपक वन का एक नियम था कि चंपक वन के बाहर जो भी जाएगा वो वापस कभी लौट के नहीं आएगा और दूसरे जंगल से कोई भी इस चंपक वन में नहीं आ सकता है जानवर अब एक एक दिन की बात है लोमड़ी अपने कुछ दोस्तों के साथ नदी पर पानी पीने गई उसने पानी पीते हुए देखा कि नदी के पास जो पेड़ है उस पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ है और उस बंदर की छाया उस बंदर की जो परछाई है वो पानी में दिख रही है लोमड़ी ने देखा अरे ये बंदर कौन है ये बंदर कौन है क्योंकि ये पहले तो कहीं देखा हुआ नहीं लग रहा लोमड़ी ने अपने दोस्तों को बताया दोस्तों चुपचाप से ऊपर की तरफ देखना ऊपर एक बंदर है ये अपने जंगल का तो नहीं लग रहा है ये है कौन ये कौन है ओके okay? ये स्टोरी आपने सुनी ये कौन है अब इसके आगे आप लोग इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे कि वो कौन है कौन हो सकता है वो मुझे कौन बताएगा कि वो बंदर कौन था रेज योर हैंड इफ यू वॉन्ट टू टेल देन रेज योर हैंड और यू कैन टाइप वो बंदर कौन था यस yes, गुप्ता भास्कर गुप्ता बताइए काशवी यस yes, मैम यस yes. मैम वो जो बंदर था मैम वो चंपकवन का जो जंगल था उससे कोई बाहर जंगल से था और वो चंपक वन के राजा शेर से उनके शेर के जो उनका उनके जंगल के शेर के साथ कुछ बात करना चाहते थे इसलिए वो बंदर कुछ सूचना पहुंचाने ओके वेरी गुड यस और यस यस अः नेक्स्ट इज वेट अः नेक्स्ट इज अभिजीत अभिजीत सिंह यस मैम Yes. आप बताइए बेटा वो वो बंदर कौन था वो बन बंदर वो था कौन था वो बंदर मैम क्या मैम बताऊं मैम क्या नाम है यस मैम वो चंपक वन का बंदर नहीं था वो उसकी जो परिवार थे शायद वो गल... चंपंग में फंस गए और उन्हें ही ले आया हो आर्यन सिंघल मैम शायद उनके राजा को किडनैप करने आया होगा बंदर राजा को किडनैप करके आया था वेरी गुड फिर उसने कैसे किडनैप किया होगा मैं वो मैं क्या कह रही हूं क्योंकि वो दूसरे जंगल से होगा ना तो उसे शायद कोई पर्सनल दुश्मनी और शेर से इसीलिए वेरी गुड मैं वो बाहर से है ना उस जंगल में रहने आया होगा ओके वेरी गुड ओके ठीक है तो ही... यानी कि कि अभी क्या है कि हम लोगों ने सबने इसके अलग अलग वेरिएशन बनाए कोई कह रहा है कि वो पर्सनल दुश्मनी थी उस बंदर की इस चंपक वन के राजा से तो वो उस राजा को नुकसान पहुंचाने के लिए इस जंगल में आया कोई कह रहा है कि वो जो बंदर था उसके परिवार वाले इस चंपक वन में कभी रह गए होंगे जिसको वो ढूंढता ढूंढता हुआ यहाँ तक आया कोई कह रहा है कि वो दूसरे जंगल का बंदर है जो कि कुछ बात करने के लिए इस जंगल ना, में ना, चंपक वन में आया है तो अब आपने देखा एक स्टोरी थी उस स्टोरी का मैंने आपको यह एक स्टोरी थी उस स्टोरी को मैंने आपको हाफ सुनाया एंड देन उसके बाद उसको आपने अपनी अपनी इमेजिनेशन से कंप्लीट किया किसी ने भी सेम सेम uh, उसके पॉइंट्स नहीं बताए क्यों क्योंकि हम सबकी इमेजिनेशन अलग अलग होती है हम सब लोग अलग अलग सोचते हैं हम लोग अलग अलग इमेजिन करते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलू की वा ये चांद कितना सुंदर लग रहा है अरे वाह ये चांद कितना सुंदर लग रहा है तो ये चांद कितना सुंदर लग रहा है में क्या होगा आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग चांद को इमेजिन करेंगे तो आप इमेजिन जब चांद को करेंगे तो क्या होगा आपका चांद होगा आ, किसी का चांद फुल मून होगा किसी का चांद जो चांद हम दिवाली वाला मनाते हैं वो होगा किसी का चांद जो होगा वो होगा ईद वाला जैसे वो छोटा सा चांद होता है और किसी का चांद होगा ही नहीं क्योंकि वो अमावस वाला नोमून वाला चांद होगा तो ऐसे आप लोगों का अपना इमेजिनेशन चलता है तो स्टोरी में हमारी क्या होती है इमेजिनेशन भी वर्क करती है ओके अब मुझे एक बात बताइए कि जब हम एक स्टोरी बनाने के लिए स्टार्टिंग करते हैं तो हमको और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए मैम टाइटल। टाइटल नहीं वो सब ठीक है स्टोरी हमारी बन गई हमने बनाए। यस। मैम हमें कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट करना चाहिए कि लोगों को लगे कि ये बहुत अच्छी जाकर मतलब अच्छी होगी और वो मतलब उनके इंटरेस्ट आए उनको अच्छा अभी ठीक है मैं आप लोगों को आप लोगों ने स्टोरी लिख ली है हमने स्टोरी लिख ली है अभी मैं आपको एक स्टोरी और सुना रही हूँ ठीक है फिर आप बताइएगा क्या हुआ मैं मैं चीज ठीक है Yes. मैं हमें स्टोरी में हमेशा एक हाइप क्रिएट करके रखनी चाहिए ताकि ना ऑडियंस को तो किसी भी जगह ऐसा बोर वाली फीलिंग ना है वो मतलब उनको रहना आगे क्या होगा अच्छा ये तो बात हमारी थी स्टोरी मेकिंग की ठीक है कि ये हमने स्टोरी मेकिंग की हमारी स्टोरी की लाइन होनी चाहिए हमारे उसमें ये सब होना चाहिए कोई, कोई भी है ना गल, गलती नहीं करनी चाहिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है गलती हर जगह हो सकती है स्टोरी में भी गलती हो सकती है अभी क्या है मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ आपको एक स्टोरी सुनना और फिर बताना मुझे हम फिर उसके बाद में बात करेंगे एक बार की बात है एक जंगल था उस जंगल में बहुत सारे राजा रहते थे जंगल में जो भी जानवर थे वो सब आपस में लड़ते रहते थे उस जंगल में कोई भी किसी की बात नहीं मानता था एक दिन जंगल में एक लोमड़ी ने आकर कहा कि देखो देखो इस जंगल में आग लग गई है तो सब जने इधर उधर भागने लगे तभी उस जंगल में एक हाथी ने बोला कि सब भागो मत अपन सब एक दूसरे की मदद करके इस जंगल के आग को बुझा सकते हैं और उस हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और जंगल में ला करके उसने उसको पानी को आग के ऊपर डाल दिया हाथी को ऐसा करता हुआ देखकर बाकी सब लोग भी नदी में से पानी भर भर के जंगल की आग पे डालने लगे और जंगल की आग बुझ गई अच्छा ये स्टोरी थी कैसी लगी ये स्टोरी आपको अच्छी। अच्छी बोरिंग थी।, <laughs> थी।, थी।, थी अच्छी नहीं लगी ठीक है दिये अब मैं दोबारा अब मैं दोबारा स्टोरी सुना रही हूँ आपको ध्यान से सुनना ठीक है अभी आपने स्टोरी सुनी जो मैंने आपको सुनाई की एक बार की बात है एक जंगल था उस जंगल में आग लग गई और आपने सुन ली वो स्टोरी अब मैं दोबारा सुना रही हूँ अब सुनेंगे ठीक है एक बार की बात है एक जंगल था उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे लेकिन हर कोई आपस में लड़ता झगड़ता रहता था कोई भी किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था हर कोई एक दूसरे को देखते ही उसे खाने के लिए दौड़ता था उस जंगल में एक बूढ़ा हाथी था वो हमेशा अपने जंगल की इतनी खराब हालत देखकर दुखी रहता था वो हमेशा भगवान से बस यही दुआ करता हे ईश्वर हे भगवान हे भगवान मेरे इस जंगल के जितने भी जानवर हैं, सब आपस में एक परिवार की तरह रहे इनकी बुद्धि को आप अच्छा कर दीजिए इन सभी जानवरों को सद्बुद्धि दीजिए वो हमेशा इसी तरीके से भगवान से प्रार्थना करता लेकिन भगवान ने उसकी नहीं सुनी और सारे जानवर आपस में लड़ते रहते लड़ते रहते लड़ते रहते एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई और ये आग बहुत ही भयानक थी इतनी भयानक कि सब कुछ जल गया बहुत सारे पेड़ जलने लगे जानवरों के घर जलने लगे सभी जानवर परेशान होकर इधर उधर भागने लगे किसी भी जानवर को समझ में नहीं आ रहा था उन अब सब भी जानवर बहुत दुखी थे उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था और वो था जंगल छोड़ कर के कहीं और बहुत दूर चले जाने का सब जानवर दुखी थे क्योंकि सबको अपना घर छोड़ कर के जाना पड़ रहा था लेकिन कोई भी किसी की मदद नहीं कर रहा था सब अपना घर छोड़ के जा रहे थे तभी हाथी ने सबको रोका और कहा रुको ये समय अपना घर परिवार छोड़कर के भाग जाने का नहीं है क्योंकि ऐसे संकट तो हर जगह आते रहेंगे पर अगर हम सब लोग मिलकर साथ रहें और एक दूसरे की मदद करें तो हम बड़े से बड़े संकट से भी लड़ सकते हैं ने बोला पर वो कैसे हाथी ने कहा चलो तुम सब मेरे साथ चलो मेरी मदद करो और हाथी सभी जानवरों को लेकर नदी के पास चला गया नदी के पास जाकर हाथी ने अपनी सून में पानी भरा और पानी लाकर के जंगल की आग पे फेंका जानवर ये देखकर खुश हुए कि पानी से आग भुजने लगी सभी जानवरों ने सोचा कि हम सब भी मिलकर हाथी की मदद करते हैं और इस जंगल की आग बुझाते हैं और अपने घरों को जलने से बचाते हैं सभी जानवर एक साथ लग गए और बड़े बड़े बर्तनों में अपनी सूंड में अपने झोले में वो पानी भर कर के उस आग को बुझाने के लिए लेकर आने लगे कुछ ही देर में जंगल की आग बुझ गई और सभी जानवर बहुत खुश हुए और फिर हाथी ने उनको कहा तो देखा अपने साथ में रहने का कितना फायदा होता है और अब से सभी जानवर जंगल में एक साथ आ, बहुत ही अच्छे से सुखी पूर्वक खुशी 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 रहने लगे ये वाली स्टोरी कैसी लगी मैम बहुत, बहुत, अच्छा, बहुत अच्छी बहुत 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 मैं बहुत अच्छी हूँ बहुत अच्छी लड़की अब मुझे एक अभी जो मैंने स्टोरी सुनाई इससे जस्ट पहले जो स्टोरी सुनाई थी वो और जो अभी स्टोरी सुनाई वो वो दोनों स्टोरी सेम थी मामा सेम थी मामा दोनों स्टोरी सेम थी लेकिन लेकिन नहीं थी, थी। हाँ वो ज्यादा अच्छी क्यों नहीं थी ना वो ज्यादा जल्दी जल्दी बता दिया था वो स्टोरी ओके अभी ठीक है ओके ओके फाइन अब मैं आपको बताती हूँ कि आप सबको पता है कि वो वाली स्टोरी और ये वाली स्टोरी में सेकंड स्टोरी आप सबको ज्यादा अच्छी लगी तो ऐसे ही सेकंड स्टोरी क्यों ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि सेकंड स्टोरी को हमने आराम से सुनाया हमने उसमें एक एक चीज डिस्क्राइब की हमने उसमें क्या किया हर चीज को डिटेल में बताया कि एक हाथी है हाँ हा, हा हमने उसमें एक्सप्रेशन ऐड किए हमने उसमें इमोशन ऐड किए हमने उसमें क्या क्या ऐड किया हमने उसमें एक्सप्रेशन ऐड किए हमने उसमें इमोशन ऐड किए ठीक है इमोशन की हाथी बहुत दुखी हुआ तो वो दुखी हो गया हमने उसमें डायलॉग्स ऐड किए कि हाथी ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की फिर हमने क्या किया कैरेक्टर क्या, बनकर के हाथी की तरह बोला हे hey, भगवान ये हो जाए तो उससे क्या हुआ वो इंटरेस्टिंग बनी तो हमेशा हमें इंटरेस्टिंग चीजें अच्छी लगती है अब आप

अपना वॉइस मॉड्यूलेशन और स्पीच पे काम करना चाहिए अगर आप अच्छा स्टोरी नरेट करना चाहते हो आप चाहते हो कि आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगे ऑडियंस इंटरेस्ट लेके सुने उनका ध्यान इधर उधर ना हो वो मोबाइल चलाने नहीं लग जाए वो सिर्फ आपकी स्टोरी बहुत अच्छे से सुने तो आपको उसके लिए अपने वॉइस एंड स्पीच पे काम करना पड़ेगा क्योंकि जब आप वॉइस एंड स्पीच पे काम करेंगे तो आपको पता चलता है जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं तब आपको पता चलता है कि मुझे इस स्टोरी में कहां पे पॉज लेना है क्योंकि जब आप पॉज लेते हैं जैसे कि मैंने पॉज लिया कि हाथी बहुत दुखी था और फिर उसने सोचा तो सोचने के लिए आपने ये इमोशन एक एक्सप्रेशन दिया ये expression सोचने का और वो आपने फिर बोला तो वो एक पॉज आप अगर हम लेते हैं तो वो पॉज भी इंटरेस्टिंग बनाता है आपकी स्टोरी को और वॉइस मॉड्यूलेशन पॉज हो गया वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया कि अभी जैसे मैंने पहले फर्स्ट स्टोरी जो सुनाई थी वो क्या थी वो सेम पिच पर थी सेम लेवल पे थी उसमें कोई वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं था वो कैसे थी कि एक बार की बात है एक जंगल में एक बहुत सारे जानवर रहते थे सारे जानवर आपस आपस में 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 लड़ते रहते थे उनके आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी एक दिन जंगल में। तो ये क्या हुआ सब एक ही लेवल पे यानी सब इसी लेवल पे चल रहे एक ही लेवल पे लेकिन सेकेंड स्टोरी मैंने सुनाई तब मैंने कैसे सुनाई एक बार की बात है एक जंगल था तो मैंने उसको अप एंड डाउन वॉइस मॉड्यूलेशन किया उस जंगल में सभी जानवर बहुत मजे से रहते थे लेकिन सब आपस में बहुत लड़ते रहते थे तो ये क्या किया एकदम से हाई पिच था फिर लो पिच आया तो यानी आप अपने वॉल्यूम को अपनी वॉइस को अपने पिच को मॉड्यूलेट करेंगे अप एंड डाउन करना और फिर उसको घुमा फिरा के बोलना जब आप इस तरीके से बोलेंगे एक्सप्रेशन देके बोलेंगे इमोशन देके बोलेंगे तो वो क्या लगता है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है लेकिन अगर आप उसे सिंपल जैसे कि आप पढ़ रहे हो कि एक बार की बात है एक जंगल में तो वो बहुत बोरिंग लगता है फिर आपकी स्टोरी कोई नहीं सुनेगा तो अगर आप ड्रामा ड्रामा uh, में स्टोरी को इनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कैरेक्टर्स भी बनाने पड़ेंगे उसको वॉइस मॉड्यूलेट करना पड़ेगा उसको वेरिएट करना पड़ेगा तभी आप ड्रामा में स्टोरी को मॉड्युलेट कर पाएंगे तभी आप अच्छी स्टोरी सुना पाएंगे नहीं तो स्टोरी लिखना इजी है लिख देंगे आप इस स्टोरी को लेकिन स्टोरी सुनाना उसको इनेक्ट करने के लिए अब आपको क्या है कल हमने सीखा स्टोरी को लिखना ओके स्टोरी को कैसे लिखते हैं क्या क्या उसमें पॉइंट्स होते हैं कैसे हम उसको लिख सकते हैं आज हमने क्या सीखा कि लिखी हुई स्टोरी को आपको ऑडियंस तक पहुंचाना कैसे है ठीक है आपने कल स्टोरी लिख ली थी कल आपने सीख लिया स्टोरी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए कैसे लिखते हैं क्या क्या पॉइंट्स होते हैं आज आपने क्या सीखा स्टोरी तो को आपको ऑडियंस तक पहुंचाना कैसे आपको ऑडियंस को सुनाना कैसे है ठीक है तो आपको जब सुनाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आपकी स्टोरी में एक्सप्रेशन हो आपकी स्टोरी में इमोशन हो आपकी स्टोरी में वेरिएशन हो आपकी स्टोरी में साउंड और पिच मतलब वॉल्यूम हाई आप और अलग अलग वेरिएशन हो ठीक है ये आपकी स्टोरी में होनी चाहिए आपकी स्टोरी में सस्पेंस होना चाहिए ठीक है अभी हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे अब आपने स्टोरी सीख ली है लिखना आपने स्टोरी बोलना भी सीख लिया है अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज पे जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप कल कल मैंने आप सबको कहा था ना कि आप अपने घर से एक न्यूज़पेपर में से कोई से भी चार पिक्स कोई से भी चार पिक्स आप कट करके लाएंगे मैं भी न्यूज आज आप सबके सामने न्यूज़पेपर में से ये चार पिक्स है वो लेकर आई हूँ मैं दिखा देती हूँ आपको ठीक है एक पिक ये है एक पिक ये है एक पिक मेरी ये है और एक पिक मेरी ये है ओके okay? ये चार पिक्चर्स मैंने कट की हैं जो कि मुझे अच्छी लगी थी और जिसके लिए मुझे लगा कि मैं इन चार पिक्स को जोड़ करके एक स्टोरी बना सकती हूँ अब मैंने इन चार पिक्स को लिया तो मुझे मेरे माइंड में एक स्टोरी आई अब मैं वो स्टोरी आपको सुनाती हूँ फिर ऐसे मैं अभी सुना रही हूं, फिर बाद में आप भी आपके पास जो पिक्चर्स है उनको यूज करते हुए मुझे स्टोरी सुनाएंगे और जो हमारी फेसबुक लाइव ऑडियंस है वो उस स्टोरी को आ, हमारे साथ में टाइप करके शेयर कर सकती है ओके तो मैंने जो मेरी चार पिक्चर्स ली उसमें मेरी फर्स्ट पिक्चर है ये आप सबको दिख रही है ये पिक्चर इस पिक्चर में दो गर्ल्स हैं अब इन दोनों को देख करके मुझे यूं लगता है कि ये दोनों लड़कियां बहन है बहनें हैं आपस में ठीक है तो मेरी स्टोरी में शुरू करती हूँ एक बार की बात है एक गांव था उस गांव में दो बहनें रहती थी दोनों बहनें आपस में बहुत प्यार करती थी और दोनों बहुत ही समझदार और बहुत ही होशियार थी वो पेड़ पौधों से जानवरों से और हर किसी से बहुत प्रेम करती थी वो सबका बहुत ध्यान रखती थी एक दिन उन्हें अपने पढ़ाई के कारण गांव छोड़कर शहर आना पड़ा और वो अपने गांव को छोड़कर शहर आई शहर आके उन्होंने देखा कि यहाँ तो हर तरफ बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतें हैं यहाँ पर हर तरफ इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं और दूर दूर तक पेड़ पौधों का नामो निशान तक नहीं है बहुत ही ज्यादा सांस लेने में तकलीफ होने लगी उन्हें हर तरफ पर्यावरण प्रदूषित दिखा उन्होंने देखा कि ये बड़ी-बड़ी इमारतों के लिए लोगबाग, ये बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने के लिए लोगबाग आए दिन वहां पर पेड़ काट रहे हैं पेड़ों की कटाई कर रहे हैं ये दोनों बहुत उदास हुई और इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये सब जनों को प्रेरित करेंगी कि ये लोग ये ऐसे ऐसे अभियान चलाएंगी जिससे लोग जागरूक हों और पेड़ों की कटाई को रोककर वो सभी अपने बड़े बड़े घर की इमारतों के बाहर भी सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे से पेड़ पौधे लगाए और अपनी बड़ी बड़ी इमारतों को भी हरे भरे पेड़ों के बीच में पेड़ों से सजाएं। और दोनों बहनों ने यही किया उन्होंने अपने आसपास बहुत सारे पेड़ लगाए और अपने घर के आसपास की लंबी लंबी दीवारों को हरे हरे पेड़ पौधों से सजा दिया ओके okay? तो ये मेरे चार पिक्चर्स थे इन चार पिक्चर्स को देख करके मुझे लगा कि मैं ये एक स्टोरी बनाऊंगी जो तो मैंने ये एक स्टोरी क्रिएट की अब ऐसे ही आपने जो पिक्चर्स कट किए हैं आप उन पिक्चर्स को यूज करके ठीक है आप उन पिक्चर्स का यूज करके आप लोग एक स्टोरी बनाएंगे ओके आप लोग क्या करेंगे आप लोग भी एक स्टोरी बनाएंगे मेरी आवाज आ रही है आप सबको ओके ठीक हाँ, है ओके तो अभी जैसे दे तो दे आपने देखा कि मैंने ये चार इमेजेस यूज करके आपको एक स्टोरी सुनाई उसी तरीके से आप भी ये चार इमेजेस यूज करके एक स्टोरी बनाएंगे और उस स्टोरी को आप लिखेंगे पहले आप लिखेंगे और फिर उस स्टोरी को आप कल इस हमारी क्लास में सुनाएंगे कल का हमारा सेशन होगा जिसमें मैं आप सबसे स्टोरी सुनूंगी कल मैं आपको स्टोरी नहीं सुनाऊंगी कल मैं आप लोगों से स्टोरी सुनूंगी ओके प्लीज टर्न ऑफ योर माइक एवरीवन एंड अब मुझे एक बात बताइए कि जब भी आप कहानी लिखेंगे तो आप किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे आपको जो ध्यान रखना है अच्छा आप कहानी तो जो लिखेंगे पूरी कहानी एकदम ढंग से सुनानी है हाँ और आप कहानी लिखेंगे तो वो कहानी आ, कुछ भी हो सकती है इन चार इमेजेस से रिलेटेड हो सकती है वो कुछ इमेजनरी आ, भी हो सकती है कुछ फेरी टेल कुछ फेरी टेल्स स्टोरी हो सकती है या कुछ आपके जैसे आपकी कोई जर्नी ओके okay, जैसे कि आपकी एक जर्नी हो कि आपने कोई आप किसी आप कहीं पे घूमने गए थे तो उस घूमने की जर्नी को आप सुना सकते हैं कि एक बार की बात है मैं घूमने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ मनाली गई थी मनाली में बहुत बर्फ पड़ रही थी और हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी मुझे इतना अच्छा लगा उस गिरती हुई बर्फ को देखना और मैं अपना बैग उठाकर अपने मम्मी पापा के साथ बर्फ पर खेलने के लिए निकल पड़ी और मैंने जैसे ही बर्फ पे पैर रखा बर्फ पिघलने लग गई और बर्फ पिघलती गई और मैं उसके साथ अंदर 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 ग, अ, अंदर जाती रही मेरा पूरा पैर बर्फ के अंदर जा चुका था मैं बहुत जोर से चिल्ला रही थी मम्मी बचाओ पापा बचाओ पर मम्मी पापा मेरी आवाज ही नहीं सुन पा रहे थे वो दोनों कहीं दूर चलते ही चल जा रहे थे चलते ही जा रहे थे और मैं मैं दूर यहां बर्फ में अंदर धसे जा रही थी, धसे जा जा रही रही थी, थी। तो इस तरीके से अब एक स्टोरी बनाई आप भी अपने मन से स्टोरी बना सकते हैं फिर मैंने देखा कि मुझे मम्मी ने आकर बहुत जोर से हिलाया मैंने देखा तो मेरी आंखें खुल गई अरे ये तो मेरा एक सपना था तो ये क्या हुआ ये स्टोरी मैंने अभी बनाई एक जर्नी से रिलेटेड तो so ऐसे ही आप भी किसी जर्नी से रिलेटेड एक स्टोरी बना सकते हैं आप अपने uh, किसी यू you नो know, uh, किसी वर्ड से रिलेटेड या किसी सिचुएशन से रिलेटेड जैसे कि मैंने आप लोगों को एक सिचुएशन दी कि एक आदमी है एक आदमी है जो एक कुर्सी के ऊपर सो रहा है एक आदमी एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ सो रहा है और एक दूसरा आदमी आता है, वो उसकी जेब में से चाबियों का छल्ला निकालने की कोशिश करता है अब आपको इस आपको ये एक सिचुएशन मिल गई अब आप इस सिचुएशन के ऊपर भी स्टोरी बना सकते हैं कि वो आदमी कौन है जो सो रहा है और वो दूसरा आदमी कौन है जो उसकी जेब में से चाबियों का छल्ला निकाल रहा है वो चाबियों का छल्ला किस चीज का हो सकता है वो चाबियां किस चीज की है जो वो निकालने की कोशिश कर रहा है वो क्या वो उन चाबियों से क्या खोलना चाहता है क्या वो चोर है अगर वो चोर नहीं है तो फिर वो कौन है और वो चोरी करने तो नहीं आया वो चोर नहीं लग रहा तो कौन है क्या है अब उस चीज को भी सोच के स्टोरी बना सकते हो तो जब भी, भी आप स्टोरी बना मैं रहे हैं जब भी, भी आप चाबी इस... का छल्ला होगा मैम वो है ना क्या बोलते मैम जो सोरा होगा है मैम जब दूसरा लड़का आके उसकी चा, वो चाबी नहीं चाबी का छल्ला निकाल रहा होगा तो मैम वो ऐसी भी हो सकता है कि वो है ना उसकी दुकान का चाबी का छल्ला हो हम्म वो उसकी दुकान का चाबी का छल्ला भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि अच्छा ये भी तो हो सकता है कि वो जो आदमी है वो सर्कस का मास्टर है और जो दूसरा आदमी है वो आकर के उस चाबी का छल्ला लेकर के सारे जानवरों को खोलना चाहता है ताकि सारे जानवर वापस अपने जंगल में चले जाएं या वो कोई और होगा जो उस चाबी के छल्ले से कुछ और अच्छी आ, कुछ मदद करे तो कुछ तो भी बहुत कुछ हो सकता है तो जब आप अच्छा ठीक है अब हमको क्या ध्यान रखना है जब हम स्टोरी बनाएंगे तो हमें पांच बातों फाइव डब्लू ओके फाइव डब्लू का हमें ध्यान रखना है कि हम क्या वर्ड हम क्या बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं ठीक है वेयर पे स्टोरी बना रहे हैं मतलब जगह कहाँ कहाँ है ओके वर्ड वेयर वाय वेन कि ये कब हो रही है रात के समय में हो रहा है सीन सुबह के समय में हो रहा है सीन शाम के समय में हो रहा है ये सीन या दिन के समय में हो रहा है या फिर जो भी है इमेजिनरी वर्ल्ड में हो रहा है ओके इस तरीके से आपको फाइव डब्लू का ध्यान वेन वेयर वॉट और क्या बताया मैंने वाई क्यों हो रहा है ओके फाइव डब्लूज है ना फाइव फाइव आप डब्लूज का आप ध्यान रखेंगे वॉट ओके okay? लिख लीजिए ये वॉट when where हो गया आपके फाइव पॉइंट है हु फर्स्ट पॉइंट हु की स्टोरी में जब भी, भी आप स्टोरी में लिख रहे हैं तो स्टोरी में आप लिखेंगे हु मतलब कौन की कौन है ठीक है जैसे कि हमारी कल की स्टोरी में कौन था मेन एक मेन कैरेक्टर कौन था वेरी गुड तो जैसे कि एक कैरेक्टर के आपकी स्टोरी में हो गया जैसे आज की स्टोरी में हमारे कौन कौन कैरेक्टर्स थे आज की स्टोरी में हमारे पास कैरेक्टर थे ये दोनों गर्ल्स तो कौन मेन कैरेक्टर्स हुई नहीं। दोनों गर्ल्स तो फर्स्ट हमारा फर्स्ट डब्ल्यू कौन क्या हो गया हमारा हु अब है हमारा सेकेंड वॉट कि वो क्या है वो क्या है ये दोनों गर्ल्स क्या है ये दोनों इंटेलिजेंट गर्ल है ये दोनों गर्ल्स बहुत प्यार करती हैं सबसे पेड़ पौधों का बहुत ध्यान रखती हैं कल की स्टोरी में क्या था कि हमारा जो बुद्धू है वो बुद्धू था वो अजीब सा था ओके okay, फिर उसके बाद में आपका एक आता है कि वेयर कहाँ है वो लोग गांव में है वो शहर में है वेन कब है रात में है सुबह है शाम को है और वाई क्यों है कि वो भाग करके वो गांव में उसे सब मारते थे इसलिए वो भाग कर शहर आ गया ये लोग बहुत इंटेलिजेंट थी इनको आगे पढ़ाई करनी थी इसलिए दोनों बहनें गांव छोड़ के शहर आ गई वो बंदर जो था वो बंदर चंपाक वन में क्यों आया क्योंकि उसे राजा से बात करनी थी या बदला लेना था ठीक है। ओके ओके मैम। मैम। चलिए। तो अभी आप लोग ये इन फाइव डब्ल्यू को नोट कर लीजिए आपने जो इमेजेस आज कट की हैं, उन इमेजेस को आप सीक्वेंस में लगाइएगा और सीक्वेंस में लगा करके उस इमेजेस को यूज करते हुए कल okay. आप सब लोग मुझे एक स्टोरी सुनाएंगे तो उस स्टोरी को आप प्रिपेयर कीजिए और उसको सुनाने के लिए कल रेडी होकर आइएगा आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं और अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप